दिल्ली में आज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के जरिए नागरिकता संशोधन कानून और NRC का विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन के तहत दिल्ली के मंडी हाउस लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला गया। मार्च में जामिया विश्वविद्यालय JNU के छात्रों के अलावा अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और NRC को देश भर में लागू न करने की मांग की गई। विरोध करने पहुंचे लोगों से जब सवाल पूछा गया कि आखिर अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच से NRC को लेकर जो भी अफवाह फैली थी उसको दूर करते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल देश में NRC को लागू करने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। तो आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन में मौजूद लोगों का कहना था कि उनको देश के प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में देश भर में NRC लागू करने की बात कही थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह? 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हाँ, सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे, झूठ फैलाया जा रहा। सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में NRC बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। आपके माध्यम से इतना ही विनंती करना चाहता हूं कि NRC और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। NRC करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मगर मानकर चलिए NRC आने वाला है, NRC बस। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मंडी हाउस से मार्च शुरू किया और 12 खंबा रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, KG मार्ग होते हुए जनपद और फिर जंतर मंतर पर पहुंचे। जंतर मंतर पहुंचने के बाद वहां पर तैयार किए गए मंच से प्रदर्शन मार्च में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और बार बार NRC वापस लेने की मांग दोहराई। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून को संविधान विरोधी करार दिया।